आईपीएल 2024 चेन्नई की टीम के लिए बहुत ही खराब जा रहे हैं, क्योंकि इस आईपीएल में चेन्नई के चारों तेज गेंदबाजों पर बड़ा नया खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले बात करें तुषार देशपांडे के बारे में, तो तुषार देशपांडे चेन्नई की टीम से भी बाहर चल रहे हैं और वो कब तक उपलब्ध होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही मत्स्या पसाना भी बीमार चल रहे हैं और वो आगे आने वाले कुछ मैच मिस कर सकते हैं। और अगर आगे बात करें तो बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान भी अब अपने देश लौट रहे हैं। मुस्ताफिजुर रहमान अब चेन्नई के लिए आगे आने वाले मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि मुस्ताफिजुर रहमान अब अपनी अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ जाकर जुड़ गए हैं। और अंत में चेन्नई का तेज गेंदबाज दीपक चाहर भी आईपीएल से बाहर होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कल के मैच के बारे में बात करें तो कल के मैच में भी दीपक चाहर ने मात्र दो ही गेंदें फेंकी, इसके बाद दीपक चाहर मैदान से बाहर चले गए। अब चेन्नई के चारों तेज गेंदबाज जो कि टीम से बाहर चल रहे हैं, तो यह संकेत एमएस धोनी के लिए अच्छे नहीं है। एमएस धोनी का यह अंतिम आईपीएल होने वाला है, तो सीएसके के सभी फैंस चाहते हैं कि एमएस धोनी यह आईपीएल जीत कर खत्म करें। लेकिन अगर सीएसके की टीम में बॉलिंग नहीं होगी तो एमएस धोनी आईपीएल कहां से जीत पाएंगे। अब अगर कल के मैच के बारे में बात करें तो कल का मैच पंजाब और सीएसके के बीच में खेला गया। इसमें पंजाब ने टॉस जीतकर चेन्नई को बैटिंग के लिए बुलाया, लेकिन चेन्नई की टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। चेन्नई कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में 48 बॉलों में 62 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन गायकवाड़ के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज टिक्के नहीं खेल सका और अन्य सभी बल्लेबाजों ने 10 से 15 रन की पारी खेली। और इस तरह चेन्नई की टीम 20 ओवर में मात्र 162 रन ही बना सकी। यह स्कोर पंजाब के लिए बहुत ही कम था। अब अगर आगे वीडियो के बारे में बात करूं, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। 163 रन के लक्ष्य पीछा करने के लिए पंजाब ने आक्रामक बल्लेबाजी करी। पंजाब के लिए ओपनर जोनी बेस्टोक ने 30 बॉलों में 46 रन की पारी खेली। इसके साथ ही रायलो रूसो ने भी 23 बॉलों में 43 रन बनाए और पंजाब की टीम यह मैच 18 ओवर में जीत गई। पंजाब ने सीएसके को यह मैच 7 विकेट से हरा दिया और अब सीएसके का अगला मैच भी पंजाब में ही होने वाला है, तो देखना होगा सीएसके के लिए उस मैच में इनके बॉलर उपलब्ध हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। आपको बता दें कि सीएसके ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है। सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए अभी भी लगभग 3 मैच और जीतने पड़ेंगे। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।